वेलकम बैक नाज़रीन। असां ॻाल्हायूं था स्टेट बैंक जी, माफ़ कंदा, FPCCI जी जेका ई पब्लिकेशन आई आहे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जे हवाले सां, हिन हवाले सां डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब, अच्छा सवाल ये बनता है कि एक तो मॉडल जो हमने वहां पे भी सवाल किया कि जी किस मॉडल के तहत ये रिसर्च कंडक्ट की गई है, उसकी भी कोई हमें खातिर ख्वाह सवाल का जवाब नहीं मिल सका। लेकिन वंस अगेन चलें, लड़कों ने, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने और उस इदारे के पढ़े लिखे PhDs ने यह काम किया। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि पॉलिसी रिसर्च में कुछ मतलब रिकमेंडेशंस दी जाती हैं और एकेडमिक रिसर्च में प्रोजेक्शंस वगैरह होती हैं। एज अ इंडस्ट्रियल बॉडी, जहां मतलब आपकी सारी इंडस्ट्री वहां पे मौजूद होती है, सनतकार सारे सबकी मेंबरशिप और कंट्रीब्यूशन हो रही होती है, उस इदारे को कौन सी मतलब रिसर्च ज्यादा फायदेमंद उसके लिए साबित हो सकती है, एकेडमिक या पॉलिसी? नहीं, उसको पॉलिसी रिसर्च ही करनी होती है। एकेडमिक रिसर्च का, पॉलिसी रिसर्च जब हम करते हैं तो पॉलिसी रिसर्च में एकेडमिक रिसर्च ऑलरेडी इंक्लूड होती है, उसी के बेस पर होती है वो। लेकिन इन इदारों को पॉलिसी रिसर्च करनी पड़ती है। हमारे यहां देखें, आज इशू है मॉनेटरी पॉलिसी का, बहुत बड़ा इशू है। इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, वो एड्रेस नहीं हुआ। GST का इशू है कि रिवाइज GST आ रहा है, वो कहीं नहीं हुआ। जो नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बिटवीन प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट, उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे बिजनेस सेक्टर पर, वो कहीं डिस्कस नहीं हुआ। सही। फिक्की की एक रिपोर्ट आई थी जो जिसका बड़ा चर्चा हुआ था, वो उन्होंने एक पॉलिसी दी थी अपनी गवर्नमेंट को कि उनको क्या करना चाहिए। हम इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं दे रहे। इसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की साइट, उसकी वेबसाइट भी अगर आप विजिट करें, तो वो साल में एक रिपोर्ट नहीं, उन्होंने साल में कोई 100 रिपोर्ट्स प्रोड्यूस की होंगी जो उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होंगी, और उन्होंने ये जो मैं इश्यूज हाईलाइट कर रहा हूं वहां मौजूद होंगे। अच्छा, यहां पे क्या इश्यूज हो सकते हैं? एक तो रिसर्च डिपार्टमेंट है, उसके लिए फंड्स भी हैं, आई थिंक पता नहीं कितने मिलियंस, आई के नॉट, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन कोई 30 मिलियन का फिगर है। इतने फंड्स हैं एक डिपार्टमेंट के लिए, वहां पर डिपार्टमेंट है नहीं, हम एक आउटसोर्स रिसर्च करवा रहे हैं, एकेडमिक रिसर्च करवा रहे हैं, तो व्हाट आर द रीजंस? मतलब आप भी DG रिसर्च रहे हैं, आपके दौर में भी रिसर्च हुई है, हमने देखी है, लेकिन इसके रीजंस क्या हैं कि एक ऐसे इदारे को, इतने एपेक्स बॉडी को आउटसोर्स रिसर्च की जरूरत? बेसिकली फेडरेशन का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो हायरार्की है, उसमें प्रॉब्लम है। मैं जिस तरह मैंने अभी इंडिकेट किया कि अगर किसी तरह से इस चीज को इंश्योर किया जाए कि जो ऑफिस बैरर्स आ रहे हैं वो एटलीस्ट रिसर्च को समझने वाले लोग हों, इस चीज को इंश्योर किसी तरह से सिस्टम को करना चाहिए। और इसमें जो ग्रुप्स हैं बिजनेसमैन के जो वोट कास्ट करते हैं, जो अपने ऑफिस बैरर्स को लेकर आते हैं, ये मैं समझता हूं उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, जो कि एक मुल्की लेवल की जिम्मेदारी है, नेशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि वो जिन लोगों को ला रहे हैं उन लोगों को ये ना हो। मैं देखें, आप भी नोट करते रहे हैं, मैं भी नोट करता रहा हूं, मीडिया के लोग भी नोट करते रहे हैं कि टॉप लेवल के ऑफिस बैरर्स आते हैं, उनको इंटरेस्ट रेट स्प्रेड बताना पड़ता है वो क्या होता है, उनको वो वेट टैक्स लफ्ज यूज कर रहे होते हैं, मीडिया पे यूज कर रहे होते हैं वेट टैक्स, ये कि कौन सी टर्मिनोलॉजी है, जिनको बहुत बेसिक चीजें हमें बतानी पड़ती हैं। सही। तो वो विजनरी लोग आने चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो इन इदारों का एक मुकाम होना चाहिए था वो अब नहीं रहा, और सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी एक हद तक अपने आप को जो है वो मेंटेन करने और अपने स्टेटस को बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं? मेरा ख्याल है ये बहुत अरसे से ये इसी तरह से हो रहा है कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो ही इंस्टीट्यूशन को रन का इंडिविजुअल की, और ये एक वजह हो सकती मैं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें विजनरी लोग आए नहीं, मैं जानता हूं ऐसे बिजनेसमैन को भी जो ऑफिस बैरर्स रहे और वो विजनरी लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, रिसर्च को वो समझते थे और अंडरस्टैंड करते थे, उन्होंने एक बाकायदा एजेंडा दिया, लेकिन वो मैं समझता हूं कि वो इस सिस्टम में बहुत कमजोर हैसियत रखते थे। सही। उनको इस सिस्टम ने ऑफिस बैरर के तौर पर लॉन्गर टर्म के लिए एक्सेप्ट नहीं किया। सही। तो उनकी जो सर्विसेज थी जो वो कर सकते थे, जो वो चीजें डेवलप कर सकते थे। तो क्या ये भी एक रीजन है कि बिजनेस कम्युनिटी की आवाज को अभी इतनी अहमियत नहीं दी जाती? जी, मैं समझता हूँ इसका मेजर कॉज यही है। बिल्कुल। अच्छा, इसलिए आप देखें गवर्नमेंट के बड़े बड़े फैसले होते हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स होती हैं, उसमें मैं जिसको रेफर कर रहा हूं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को पार्टिसिपेट कराया जाता है। आपका गवर्नर स्टेट बैंक जो वहां के जनरल सेक्रेटरी थे वही जाकर के बने, उस अदारे ने जितने भी आपका जब डीम्यूचुअलाइजेशन का सिस्टम आया स्टॉक मार्केट का तो उसको पार्टिसिपेट किया। मेरी इन्फॉर्मेशन शायद कारदार साहब भी है, उसके मेंबर हैं। कारदार साहब उसके मेंबर हैं, रजाक दाऊद साहब उसके मेंबर हैं। सही। जितने आपके बड़े बैंक्स हैं उनके प्रेसिडेंट उसके मेंबर्स हैं। सही। आपके जो एटलस ग्रुप है शराजी साहब वो उसके मेंबर हैं। सही। ICI और दूसरी कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके CEO उसके मेंबर्स हैं। सही। तो मतलब और इंडिया में फिक्की में इसी टाइप के लोग जो आज PBSC के मेंबर हैं,
इंडिया में फिक्की में इसी कैडर के लोग जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो रिपोर्ट है और इसके लिए जो फंड्स मुख्तस किए जाते हैं, आज जो पब्लिकेशन मेरे हाथ में है, क्या आप अपने उस माजी के एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए और इसमें जो आजाद व शुमार दिए गए हैं और इसमें जो तज्जिया जो है वो ऐड किया गया है, क्या आप समझते हैं कि वो उन फंड्स का प्रॉपर इस्तेमाल है? नहीं, हम जो रिसर्च करते रहे, बेसिकली देखें रिसर्च जो दुनिया भर में होती है, रिसर्च पब्लिसिटी नहीं होती है। रिसर्च जो होती है वो मैं नहीं समझता कि शो बिजनेस से उसका कोई ताल्लुक होता होगा। अच्छा। रिसर्च जो होती है वो यूज के लिए होती है, उसकी एप्लीकेशंस होती है। तो रिसर्च जो हम करते रहे हैं वहां पे और कोशिश करते रहे हैं जिसको डेवलप करने की, वो डेटा बैंक हमारे प्रायोरिटी में था जो हमने डेवलप किया था। सही। तो और उस डेटा बैंक के अलावा जो पब्लिकेशंस थी वो पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च थी, उसको यूज करने के लिए भी विजनरी लोग चाहिए होते हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर जो मैंने अपने शुरू में कहा कि ये एक नामुकम्मल रिपोर्ट है, आप तो कह रहे हैं कि जी एकेडमिक रिसर्च है, मैं उस तनाजुर में भी इसको एकेडमिक भी नामुकम्मल, मैं इसको नामुकम्मल कह रहा हूं। सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिको इकोनॉमिक कंडीशंस को साइड रख के क्या आज के दौर में पाकिस्तान के तनाजुर में कोई भी रिसर्च कंप्लीट हो सकती है? फाइनेंशियल रिसर्च की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, वो तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। जब हम इकोनॉमिक रिसर्च की भी हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक विदाउट अगर पॉलिटिक्स एंड विदाउट सोशियोलॉजी जो इकोनॉमिक्स बचती है तो मैं समझता हूं वो सिर्फ फिर मैथमेटिकल जगलरी बच जाती है। सही। वो सिर्फ आदाद और शुमार का खेल होता है। इकोनॉमिक्स आदाद और शुमार का खेल हरगिज नहीं है। सही। सब क्या इस रिपोर्ट के मंजर आम पे आने के बाद और खासतौर पर जब ऐवान में जाएगी तो क्या आप समझते हैं कि ये उस अट्रैक्शन और उस अटेंशन को हासिल कर पाएगी? नहीं, मैं नहीं समझता ये ऐसी जगह कहीं रीड की जाएगी या पढ़े, इसकी बेस पर कोई पॉलिसी डिवेल्प होगी, पॉलिसी रिसर्च ही नहीं है। सही। इसकी बेस पर जिस तरह माजी में पीबीसी की डीम्यूचुअलाइजेशन की रिपोर्ट पर स्टॉक एक्सचेंज को डीम्यूचुअलाइज किया गया, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट पर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की, उसका डिवेल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम के तहत डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का सिस्टम आया, ये रिपोर्ट पहले वहां से जनरेट हुई, बाद में गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट हुई। सही। तो क्या हम इसको बुनियादी तौर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कह सकते हैं? नहीं, मैं एग्री नहीं करूंगा। ये एक मेरे आउटसोर्स किया गया था, मैंने अभी मेंशन किया, आउटसोर्स किया गया था एक प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस स्कूल को, उस बिजनेस स्कूल को जिसका पाकिस्तान की जो रिसर्च रैंकिंग है टॉप 10 रिसर्च इंस्टीट्यूशन की, उसमें वो इंक्लूड नहीं है। तो इस वजह से इसकी कोई मतलब अहमियत आपकी नजर में नहीं है? इसमें कोई ऐसी पॉलिसी रिकमेंडेशन नहीं जिस पर जिसकी बेस पर गवर्नमेंट कुछ करे या रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन कोई स्टेप्स। अच्छा, क्रिटिसिज्म भी है इसमें, वो खासतौर पर आईएमएफ पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है और आईएमएफ से मुतबादल जो पॉलिसीज, आपने शुरू में बात की अपना रिफॉर्म जीएसटी की, लेकिन एज अ थ्योरी इसमें उसकी डिस्कशन की गई है, तो उस डिस्कशन के बुनियाद पर कहीं तो उसकी यूटिलाइजेशन होगी ना? आईएमएफ को मैं नहीं समझता कि आईएमएफ को वर्बली तो होता रहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता रहता है क्रिटिसाइज करना, उसकी कोई यूटिलाइजेशन आईएमएफ को क्रिटिसाइज करना अगर एक फैशन के तौर पर किया जाने लगा है हर कोई तो इसका असल मकसद क्या होना चाहिए था जो कि आपकी नजर में वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे? मैंने आपको हाईलाइट किया ना कि इसको जो इश्यूज हैं इस टाइम बिजनेस कम्युनिटी जिनको फेस कर रही है, टैक्सेशन का बर्डन है, कॉरपोरेट सेक्टर देखें, पाकिस्तान का जो कॉरपोरेट सेक्टर है उस पर जो टैक्स रेट है, हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है। फिर रिफॉर्म जीएसटी की बात की जा रही है, इन्फ्लेशन में भी आप कहीं अच्छी पोजीशन पे नहीं है, बैंकिंग स्प्रेड की प्रॉब्लम है। सही। इंडस्ट्री के बहुत सारे इशू हैं, टेक्सटाइल के जो रियल इशूज हैं वो तो डिस्कस ही नहीं हुए। सही। कि टेक्सटाइल सेक्टर्स की क्या प्रॉब्लम है, हमें सप्लाई साइड पे मटेरियल में प्रॉब्लम है, फाइबर्स में क्या प्रॉब्लम है, पीटीए के प्लांट के क्या सॉवरेन गारंटी क्या इशूज क्रिएट कर रही है, कॉटन के कमिटमेंट थी कि 15 बिलियन बेल्स दी जाएंगी, जिन लोगों ने कमिटमेंट की थी उनकी कमिटमेंट पूरी ना होने से आज मोर देन 40% जो टेक्सटाइल के स्पेंडर्स हैं वो आइडल हैं, वो वर्क नहीं कर रहे, क्लोज हैं, उसके क्या इश्यूज हैं रिवाइवल के, ये पॉलिसी इश्यूज थी। अच्छा, एक आम सवाल है आपसे कि इस रिपोर्ट की जिस तरह कंपाइलेशन हुई है उसमें मैंने ये फील किया कि एक सर्टन और एक लिमिटेड थॉट को प्रिवेल करने की कोशिश की गई है, क्या आपको भी कुछ ऐसी चीज नजर आ रही है? देखिए, आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं बिल्कुल रेफर करूंगा, मैं किसी को पर्सनल नहीं होना चाहता, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल इस रिपोर्ट पे जो छाप नजर आएगी कि इसमें जो पॉलिटिको रिलीजियस थॉट है एक, उसको वो शख्सियत इसके हवाले से मशहूर हैं, उस थॉट को वो प्रमोट करें, आईएमएफ को मैं समझता हूं गाली देना मसाइल का हल नहीं है,
आप पाकिस्तान के लिए किसी फंडामेंटलिस्ट थॉट को प्रमोट करने की रिकमेंडेशन कर देना, ये कोई मैं नहीं समझता इकॉनमी की या इंडस्ट्री की कोई खिदमत है। मैं इन चीजों को बिल्कुल नहीं समझता कि ये चीजें मुनासिब और इन कंडीशंस में इस किस्म के थॉट देना, क्या आप समझते हैं कि इससे फायदा होगा? ये थॉट्स तो वैसे भी बाजी में भी 100 साल की हिस्ट्री है कि फेल होती रही है। मैं इस वक्त नहीं, प्रोग्राम मुनासिब नहीं कि उनमें पूरी आपको लिस्ट देता कि इस तरह की थॉट्स जो हैं उसने कंट्री को, नेशन को और खुद आलम इस्लाम को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाती रही है ये थॉट्स। मैं इनसे एग्री नहीं करता इस तरह की थॉट्स। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया भाई हमारे प्रोग्राम में। सवाल और बहुत थे लेकिन क्या करें, जो ईयर पीस हम लगाते ना ये हमें बहुत तंग करता है। जी नाजरीन था डॉक्टर अयूब मेहर साहब के बुधो। बेसिकली मकसद इन रिपोर्ट जे हवाले से प्रोग्राम करण जो यो हो तो ताकि वे पढ़ंदड़ जेके शायद बिजनेस एंड इकॉनमी का एतरी घनी वाकफियत न रखंदा हुजन, शायद हू इन रिपोर्ट के तहत पांजो को थॉट या पांजो को सेंस जो आसो जोड़ने की कोशिश कर। बेसिकली सिर्फ़ सिर्फ इन वक्त जेके ऑफिस बेयरर्स मौजूद आन फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उन्हें जो आखिरी महीनों हली रो है, इन सवाल का बचने के लिए किथे सुभाने मीडिया या हुकूमत उन्हें का इो न पुछे तो तहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सजे साल में छा कयो आए, सिर्फ इन सवाल का बचने के लिए उन्हें ही कॉपी पेस्ट जो एकड़ो जो आसो आई थिंक इनमें तकरीबन जर डिठो वे तो 250 पर तकरीबन 160-170 पेजिस जो ही बुक है जो इन वक्त मुझे हथ में आए, 173 पेजिस की ही बुक है जो इन वक्त मुझे हथ में आए। इन बुक में सिवाय उए गालू जेके इकोनॉमिक सर्वे या बेन इशूज में जेके एज ए सेकेंडरी सोर्स खणी सकजन थी, पर इन इदारे के जै रिसर्च जा पैसा मिलन था, जै किस्म जी रिसर्च करण जा सरकार तरफा पैसा मिलन था, उए पैसा सही नमूने यूटिलाइज न थे। वो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड जो व्यापारियों का टैक्स जरिए वसूल किया तो वे तो उन फंड के सही नमूने इन रिपोर्ट के सहेड़ में या इन रिसर्च के कंडक्ट करण में वो पैसों सही इस्तेमाल न थो। समझा तो बिजनेस कम्युनिटी के मफाद में उन बिजनेसमैन के मफाद में जिन का ही इन किस्म की रिसर्च इन किस्म की सनती बेहतरी के लिए फंड कलेक्ट किया तो वे उन यकीन नाइंसाफी होंगी। एंड आई थिंक हुकूमत पाकिस्तान खास तौर पर कॉमर्स मिनिस्ट्री इन गाल जो जरूर नोटिस वी तो जी रिपोर्ट आई है तो इनते इन जो जो पैरामीटर्स आज या इन रिपोर्ट के प्रिंट करने लिए पब्लिश करने के लिए जो फंड दिनों वे तो वो सही नमूने यूज थो है या न। बिज टुडे में एतरो ही, शौक़ ज़रदारी की ॾींदा इजाज़त अलावा।